हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकिंग विद रूपा। आज मैं बनाने वाली हूँ पनीर लबाबदार। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल का बटन है उसे भी क्लिक करें। तो यहाँ पर मैंने गैस के ऊपर एक कढ़ाई रख दी है, उसमें एक कटोरी पानी डाला है मैंने। गैस के फ्लेम को यहाँ पे धीमा ही रखना है। अब मैंने काजू डाले हैं, 10 काजू लिए हैं मैंने, और 3 इलायची और लवंग डाला है 2, और 1 अदरक का टुकड़ा डाला है और लहसुन की कलियाँ डाली है 5 से 6, और 4 टमाटर छोटे कटे हुए टुकड़ों में डालकर अच्छे से मिक्स कर लेना है। पनीर लबाबदार के लिए हमें यहाँ पे टमाटर का प्यूरी बना लेना है, इन सबको पेस्ट बना लेना है। तो टमाटर, काजू, इन सबको हम अच्छे से पका लेंगे। तो साइड में निकाल के हम मिक्सर में कर देंगे बारीक पेस्ट। अभी यहाँ पे मैंने दूसरी कढ़ाई ली है, उसमें बटर डाला है 1 चम्मच, 2 तेज़पत्ता डाला है और 2 छोटी प्याज डाली है चौकोन टुकड़ों में कट करके। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला है, अगर आप चाहें तो तेल डाल सकते हैं, नहीं तो बटर ही डालिए और 1 चम्मच। तो फ्रेंड्स, अच्छे से प्याज को हम मिक्स करेंगे थोड़ा सा कलर सुनहरा होने तक। देखें, 1-2 मिनट के बाद कलर अच्छे से सुनहरा हो गया है। अब जो हमने टमाटर, लहसुन, इन सब का जो प्यूरी बनाया था, अब वो डाल देंगे इसमें कांदे में। फिर से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है टमाटर की प्यूरी को। ये बहुत ही टेस्टी बनता है फ्रेंड, आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। टमाटर की प्यूरी को अब 1-2 मिनट तक हम ढक्कन बंद करके पका देंगे। गैस के फ्लेम को यहाँ पे धीमा ही रखना है। 1-2 मिनट के बाद फिर से मैंने अच्छे से मिक्स किया है टमाटर की प्यूरी को, देखिए इस तरह से। तो अब इसमें हमें डालना है 1 चम्मच, हम यहाँ पे डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए आप मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर डाला है 1 छोटा चम्मच। जीरा 1/2 छोटा चम्मच डाला है, दरदरा पीस लिया था जीरा मैंने। तो अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर से 1-2 मिनट तक हम अच्छे से पका लेंगे सभी मसालों को। टमाटर में जो टेस्ट आता है उस तरह से हम पका लेंगे। तो 2 मिनट के बाद फिर से ढक्कन निकाल के हम इन सब को अच्छे से मिक्स करेंगे, टमाटर, कांदा, इन सब को। तो अब हमें क्या करना है, पनीर के इस तरह से टुकड़े कट करके हमें डाल देना है। 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने यहाँ पे। तो पनीर को अच्छे से कट करेंगे, फिर से इन मसालों में डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पर 2 हरी मिर्च कट करके डाला है। फिर से हमें पनीर को मिक्स करना है अच्छे से। अब 1 कटोरी मैंने पानी मिक्सर में जो पेस्ट बचा था उसमें पानी डाल के वही पानी इसमें डाल दिया है। पानी ज़्यादा नहीं लगेगा यहाँ पे, सिर्फ 1 ही कटोरी डालिए पानी। फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, कसूरी मेथी 1 चम्मच डाल देंगे ऊपर से अच्छे से मसल के। शहद डालना है 1 चम्मच, थोड़ा सा सब्जी में मीठापन आएगा इससे शहद से। अब पनीर को मैंने कद्दूकस करके लिया है 1 चम्मच, अब पनीर को भी ऊपर से डाल देंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम 2 से 4 मिनट तक धीमी आंच पे अच्छे से पका लेंगे पनीर की सब्जी को, पनीर लबाबदार की सब्जी को। ढक्कन, कढ़ाई के ढक्कन लगा देंगे। तो बीच बीच में हमें चेक करते रहना है, सब्जी को मिक्स करते रहना है, नहीं तो आप ढक्कन वैसे ही बंद करके लगा देंगे। तो देखिए, बीच बीच में मैंने चेक किया है। फ्रेंड्स, पनीर में मैंने 2 चम्मच दूध डालाए हैं। यहाँ पर क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार में मिलती है,
वो क्रीम भी आप इस पे इसमें डाल सकते हैं 2 चम्मच। मैंने घर में ही जो मलाई रहती है दूध के ऊपर की, शाही जिसे हम बोलते हैं, वो डाला है। तो ढक्कन बंद करके फिर से मैंने अच्छे से पका लिया है। तो पनीर लबाबदार की रेसिपी बनकर तैयार है फ्रेंड्स। आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलेंगे और एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।